एसी डिस्लरी का बिजनेस जिसे लापसा भी कहते हैं, रॉ मटेरियल, सल्फ्यूरिक एसिड 50 kg, लिनियन अल्काइल बेंजन 35 kg। बनाने का तरीका, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें। एसी डिस्लरी बनाने के लिए दो ही केमिकल का जरूरत है, लेकिन यह बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है और इसके लिए आपको लाइसेंस भी लेना अनिवार्य है। अगर आप इसे बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तब आपको मशीन लेना होगा, और अगर इसे आप छोटे पैमाने पर करना चाहते हैं तब आपको मशीन की जरूरत नहीं है। आपको दो स्टैंडर्ड स्टील का ड्रम लेना होगा। जैसे देखिए, इसे आप ड्रम मान लीजिए, एक ड्रम, या इसे आपको ऐसा लेना होगा जिससे एक ड्रम बड़ा हो, एक ड्रम छोटा हो, जिससे यह एक ड्रम या दो दूसरा ड्रम। इसमें रखने के बाद में जितना खाली जगह बचेगा उसमें आपको पानी डालना होगा। देखिए, आपको दो ड्रम लेना होगा। स्टील का रहेगा तो बढ़िया रहेगा, प्लास्टिक का रहेगा तो भी रहेगा, लेकिन स्टील का बढ़िया रहेगा। अब इसमें आपको दोनों केमिकल डाल देना है। इसे मिलाना है, मिलाने पर यह बहुत गर्म होता है इसीलिए पानी डाला जाता है। इसे आपको 20 से 25 मिनट मिलाना है, उसके बाद यह गाढ़ा होता जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, लिनियन अल्काइल बेंजन, देखिए गर्म हो गया। देखिए आपका यह तैयार हो गया है। एसी डिस्लरी काम में प्रॉफिट तो ज्यादा है, बढ़िया, लेकिन आपको बहुत सावधानी पूर्वक और लाइसेंस लेकर ही काम करना होगा। इसमें आपका मटेरियल सल्फ्यूरिक एसिड 10 से 15 रुपए केजी मिल जाएगा, लिनियन अल्काइल बेंजन 80 से 100 रुपए केजी मिल जाएगा। देखिए, इसे आपको 20 से 25 घंटे के लिए छोड़ना है,
20 से 25 घंटे बाद इसके इसको आप कम से कम 3 लाइन इसे खींच दीजिए। इसका 2 लाइन एसी डिसलरी रहेगा, नीचे जो थोड़ा बचा हुआ रहेगा वो सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। एसी डिसलरी काम करना आसान है लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क है, बनाने में बहुत ही सावधानी रखना पड़ेगा। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन घंटी दबा दें। नमस्कार।